हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम है और हमारा कपिल दिया है वर्दी। चलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एकदम नया वर्दी दिया है फ्रेंड्स, पुलिस वाला वर्दी। और मुझे लगता है कि उसको दो तीन एक्स्ट्रा मिल गया था क्या, इसीलिए मुझे दे दिया। एकदम नया नया, पहना भी नहीं है। और एक और दिया था जो कि इधर है, मैं कई बार वीडियो शूट किया हूँ तो आप लोग देखते होंगे। ये भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए, जो इंडिया से लेकर के हम लोग आते हैं कपड़ा ना, वो यहाँ पर नहीं चलेगा मजरा में, क्योंकि शरीर की धुनाई हो जाती है। जब शरीर की धुनाई होगी ना, तो जो शरीर पे कपड़ा है उसकी तो पहले ही धुनाई हो जाएगी। ये देखिए, इतना मजबूत हमारा ये लोवर था, पर ये पूरा का पूरा एकदम फट गया। अभी ये पहनने लायक नहीं रह गया, दो तीन बार और पहनूंगा, उसके बाद फेंकना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अभी आ रहा हूँ मैं मजरे से, और मजरे में बहुत ज़्यादा तोड़ा हूँ आम, तो चलिए वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आज मैं गया, देखिए जो मंकी लोग आए थे, बंदर लोग, तो वो लोग बहुत ज़्यादा नुकसान किए थे। उन लोगों को नुकसान करने के बाद आज तीसरा दिन मैं गया था पानी चलाने, तो देखा कि यहाँ अभी पका हुआ है, तो मैं तोड़ लाया। थोड़ा बहुत जो कच्चा था ना, लग गया था आम पेड़ में, तो वो भी तोड़ लाया। मैं सोचा कि क्या पता हो सकता है एक बार और झुंड आ जाए, तो अब की बार पूरा साफ है, वो लोग कर देंगे। तो वो भी लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। और आइए आप लोगों को कपड़ा दिखाऊँ फ्रेंड्स। जानते हैं यहाँ से मैं क्यों हाथ धोता हूँ? यहाँ से मैं हाथ इसलिए धोता हूँ और यहाँ से पैर धोता हूँ फ्रेंड्स, ताकि बकरी का काम में, लेड़ी उड़ी का काम में ना, जानते हैं, शरीर में बदबू आ जाता है। और बदबू आएगा, उसी तरह से मैं जाऊँगा, धोऊँगा नहीं और कपड़ा भी नहीं चेंज करूँगा, रूम में सो जाऊँगा ना, तो रूम में अगर बदबू आ गया तो फिर जाएगा भी नहीं। तो मुझे इसलिए क्लियर लगता है कि हमारे रूम में मतलब कि थोड़ा भी बदबू नहीं है। आप लोग भी समझिए, आप लोग भी कहेंगे हाँ ये सही तरीका। मैं जब रूम में जाता हूँ ना, अभी देखिए मैं आया हूँ बाहर से, मुझे थोड़ा भी गंध नहीं आ रहा कि हाँ इधर कहीं बकरियाँ रहती है, थोड़ा भी गंध नहीं आ रहा, क्योंकि मैं उसी में से निकल के आ रहा हूँ। और अभी जाके सोऊंगा रूम में दो घंटे तक, डेढ़ घंटे तक, उसके बाद जैसे मैं उठूँगा ना और अपना दरवाज़ा खोलूँगा ना, तो इतना जोर का बदबू आता है, जैसे लगता है हमारे दरवाजे पर सारी बकरियाँ मतलब रहती हैं, ऐसा मतलब बदबू आता है। तो इसलिए मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि हाँ मेरे रूम में बदबू नहीं, इसीलिए मैं दो घंटे तक सोता हूँ, तो जो भी बदबू हमारा नाक सूंघता है ना, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है दो घंटे में। और बाहर जैसे निकलता हूँ तो बदबू आने लगता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाऊँ फ्रेंड्स, ये है वर्दी, ये भी नया ही है, मुझे लगता है ये पहना गया है पर ज़्यादा पहना नहीं गया है। यहाँ देख सकते हैं, ये भी ज़्यादा नहीं पहना गया फ्रेंड्स, ये देखिए गिर गया। और ये वाला देखिए, ये सब वर्दियाँ ना फ्रेंड्स, बहुत ओहो बहुत गिर जा, ये सब वर्दियाँ फ्रेंड्स बहुत दिनों तक चलेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन रख के आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम नया है। नहीं यार, ये भी पहना नहीं गया है मुझे लगता है, हाँ ये भी नहीं पहना गया, इससे एकदम देखिए ना, नहीं पहना गया है लगता है, ये भी एकदम नया है। और चलिए जो अंदर है फ्रेंड्स, वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और आम इतना ज़्यादा तोड़ा हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाऊँ फ्रेंड्स। तो भी चल रहा है रूम में, और एसी चालू कर दिया फ्रेंड्स। कुछ भाई लोग कहते हैं कि भाई एसी जब भी आप चालू करते हो रूम बंद कर दिया करो। मैं रूम बंद करके रखता हूँ फ्रेंड्स, मुझे पता है कि अगर मैं रूम बंद नहीं करूँगा तो हमारा रूम ठंडा नहीं होगा, क्योंकि यही तरीका है ना एसी का, रूम का ही हवा खींचता है और उसी को ठंडा करके रूम में देता है, यही तरीका होता है ना फ्रेंड्स। और ऐसे देखिए मैं रूम बंद कर दिया तो अभी अंधेरा हो गया, तो इसीलिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से दिखे फ्रेंड्स, इसलिए मैं रूम को खोल देता हूँ जब वीडियो शूट करता हूँ। और जैसे वीडियो शूट कर लेता हूँ तो रूम को मैं बंद कर लेता हूँ। तो देखिए अभी बंद कर लिया हूँ ना फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि उतना अच्छा से क्लियर मैं दिख नहीं रहा हूँ। और रूम का जो दरवाज़ा है फ्रेंड्स, वो तो खैर अलग की बात है, वो जो एक खिड़की है देख रहे हैं, वो जो जैसे खाना वाना बनाने के टाइम यहाँ से हवा निकल जाता है, तो उसको भी मैं बंद रखता हूँ हमेशा, ताकि वहाँ से हवा अंदर न आए फ्रेंड्स, इस वजह से। और यहाँ आइए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आम मैं तोड़ करके लाया हूँ, सारा आम लग गया है, ये देख सकते हैं ना, मैं इसलिए तोड़ कर ला दिया फ्रेंड्स, क्या पता कब बंदर लोग आ जाएं और एक ही बार में पूरा, वो लोग झुंड में चलते हैं और पूरा नोच करके एकदम बर्बाद कर देंगे वो लोग, बहुत ज़्यादा समझिए ना। ये देखिए गलती से एक आ गया है, एक नहीं दो आ गया क्या, नहीं एक ही है, ये देखिए किस तरह से आप लोगों को दिखाऊं, इतना सा वो लोग काट दिए। और इतना सा काटने के बाद अभी मैं खाऊंगा नहीं, बकरी को ये खिलाऊंगा। उन लोगों का ये मान लीजिए जानवर है ना, ये लोग भी जानवर है ना फ्रेंड्स, क्या पता इन लोगों के दांतों में कोई विष हो, जैसे बंदर काटते हैं ना तो भी सुई लगता है आदमी को, जैसे कुत्ते काटते हैं तो सुई लगता है ना, उसी तरह से बंदर भी काटते हैं तो इंसान को सुई लगता है, तो इसलिए मैं इसको खाऊंगा नहीं, ये गलती से आ गया है देख सकते हैं। तो
इसी तरह से सारा अगर आम बर्बाद हो जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा, इसीलिए देखिए सब तोड़ के ला दिया हूँ। अगर ऐसे उठाऊँ, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स सब लगा हुआ, सब आम लग गया है। जैसे रूम में ला के रख देता हूँ ना तो सब आम धीरे धीरे करके पक जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ अगर आपको दिखाऊँ तो अभी पहले का आम इतना है, बहुत ज़्यादा आम खा रहा हूँ फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। देखिए ये भी थोड़ा बहुत कच्चा ही था लेकिन रखे रखे सब का सब पक जा रहा है, यहाँ देखिए सब पक जा रहा है। और फ्रेंड्स अभी आप लोगों को दिखाऊँ वो वर्दी, ये वाला ना बहुत मस्त है, ये देखिए लार्ज साइज यल, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये वाला वर्दी हमारी एकदम साध का है और एकदम अभी नई है, ये देखिए अभी एक बार भी मुझे लगता पहना नहीं गया है। और फ्रेंड्स मैं ये दरवाज़ा खोल दूँ ताकि अच्छे से मैं देखूँ। और फ्रेंड्स आप लोगों के मन में अगर ये बातें आ रहा हो कि ये पुलिस वाली वर्दी बहुत मोटा कपड़ा है और गर्मी में नहीं पहनना, नहीं तो बहुत गर्मी होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स अभी उतना गर्मी नहीं है जितना मैं दुबई में गर्मी देखा हूँ, बहुत हार्ड गर्मी। उस जगह पे भी हम लोग थे ना तो मोटा कपड़ा ही पहनते थे। मोटा कपड़ा पहनने से जानते हैं क्या फ़ायदा है, जब शरीर में पसीना होगा, जैसे मान लीजिए धूप में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो पसीना होगा ही, तो जैसे शरीर में पसीना होगा ना तो कपड़ा सोख लेगा, कपड़ा सोख लेगा ना तो हवा चलेगा तो थोड़ा ठंडा महसूस होता है। और ये जो धूप आता है ना तो धूप को कपड़ा रोक के रखता है। और ये सब इतना पतला कपड़ा है, इसको पहनने में ना ये तो तुरंत छेद के धूप लगेगा, अंदर भी काला कर देगा। तो इसीलिए मोटा कपड़ा पहनना बहुत अच्छा होता है गर्मी में, मेरे ख्याल से, कि आप लोगों को जो लगता होगा फ्रेंड्स। बस फ्रेंड्स अभी दोपहर का टाइम है, मैं हो गया हूँ बहुत ज़्यादा लेट और खाना रखा हूँ, वही सब खाऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा सोऊंगा क्योंकि आधे घंटे का टाइम है और अभी मैं वीडियो क्लोज करता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बस यही कहूँगा कि अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।